जैन मदनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अब ये मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले के जैन चौराहे के पास, यज्ञशाला के पास। यहाँ से कई सारी बसें हैं जो सिंगरौली की ओर जाती हैं, कई सारी बसें जो रीवा की ओर जाती हैं, कई सारी बसें जो वाराणसी की ओर भी जाती हैं। मौसम गर्मी का है, लोगों की दुकानें सजी हुई हैं, बेल की दुकानें हैं, इधर गन्ने की दुकानें हैं। हर तरफ अगर बात की जाए तो गर्मी से संबंधित मौसमी जो दुकानें होती वो लगी हुई हैं। और यहाँ के लोगों से हम जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ की कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में और जानते हैं। पहले तो ये भाई साहब लोगों से बात करना चाहेंगे, पहले हम दुकानदार वाले जो भैया हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? एक सेकंड, मुझे आने दीजिए। जी बताइए, क्या नाम? महेंद्र। महेंद्र। महेंद्र जी, ये जो दुकान लगाए हैं, कुछ खासियत बताइए, बेल का ही शरबत क्यों पीना चाहिए गर्मी के दिन में? पेट ठंडा रहता है। अच्छा, पेट ठंडा रहता है। बेल के शरबत के अलावा और क्या क्या आपकी दुकानों में चल रहा है? सत्तू है, बेल है, आम का पन्ना है, मतलब जो भी है गर्मी से संबंधित है। हाँ, सब ठंडे आइटम है, मतलब लू से बचाने के लिए। हाँ, है ना, लू से बचाने के लिए। तो हमारे पास मतलब कह सकते हैं आपने जुगाड़ बना दिया है, यहाँ से धूल से बचाने के लिए कोई जुगाड़ बनाया कि नहीं आपने? धूल से बचाने के लिए जो चीज़ है सब धोप के रखते हैं। अच्छा, धोप के रखते हैं। और हवाओं में जो धूल फैली है उसके लिए क्या सोचा आपने? उसके लिए आप कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कोई उपाय ही नहीं है, मतलब इन्होंने कहा कि उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सड़कों पर धूल के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? सड़कों पर जो धूल है, प्रदूषण है, सड़कें खराब हैं, क्या कुछ कभी गए हैं आप इधर से सिंगरौली स्टेशन की? अभी तो फिर ही गए सामने तो। अच्छा, इधर से आवाज़ आई कि सामने देखिए, हम लोग तो यहाँ खड़े हैं, तो इससे हम क्या समझे कि ये लोग खड़े हैं? चलिए मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ। जी, अभी आपने कहा कि सामने आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे धूल में देखिए, अभी हम लोग सिंगरौली से आ रहे हैं, क्या दशा सिंगरौली से आ रहे हैं ना। देखिए अब सामने तो है धूल की, क्या की है उसमें, आदमी को बचना मुश्किल है, तो धूल तो बात है, क्या सुविधा है क्या बताएगा। क्या डर नहीं लगता घर से बाहर निकलने में? डर तो सुबह शाम लग रहा है, लेकिन अब जाना भी तो ज़रूरी है, पेट भी तो देखना ज़रूरी है, मजबूरी है, क्या किया जाए। मरता क्या नहीं करता, पेट के लिए सब कुछ कर रहा है आदमी। आप देख सकते हैं लोगों ने कहा कि डर लगता है, और डर लगता है लेकिन मजबूरी है, पेट भी देखना है, तो सड़कों पर जाना ही पड़ेगा। और भी कई सारे भाई साहब लोग हैं यहाँ पर, गमछा लगाए हुए हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से हैं? शक्ति नगर से। शक्ति नगर से। उधर भी कुछ धूल है? मतलब धूल तो हर जगह ही है, हर जगह है। तो क्या आपने क्या उपाय सोचा है धूल से बचने के लिए, कुछ उपाय सोचा है? धूल से क्या, गमछी है, बांधते हैं और क्या करें। अच्छा अच्छा, सरकार से कुछ उम्मीद है कि कुछ सुधार हो सकता है इन सब में? अरे चाहे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। अच्छा, चाहे तो मतलब चाह नहीं रही? कुछ नहीं। अच्छा, चाह नहीं रही है ना? नहीं। और यदि नहीं चाहे तब क्या होगा? अब क्या, ऐसे ही जियेंगे और क्या? ऐसे ही जियेंगे और वोट देते रहेंगे? तो देना ही है। अच्छा, वोट देना ही है, इन्होंने कहा वोट देना ही है और ऐसे जीना ही है। हम एक बार फिर से यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। इस गर्मी में कुछ लोग सत्तू पी रहे हैं, कुछ लोग चाय का भी आनंद ले रहे हैं। अच्छा, चाय किस तरीके से फ़ायदा करता है गर्मी में? चाय गर्मी की गर्मी काटता है ना। हाँ, ये बात आपने सही कही कि गर्मी को गर्मी काटता है। तो आपने मतलब सस्ते में एक अच्छा जुगाड़ अपनाया है कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा जुगाड़ आपने बनाया है। कुछ ऐसा आपके पास भी उपाय है जो यहाँ की जनता को प्रदूषण से बचा सके सस्ते में? सस्ते में क्या है, रोड पे पानी छींक सकते हैं, धूल है, रोड टूटी हुई है, इसको सरकार को बनवाना चाहिए। आपने बहुत सस्ता वाला उपाय बताया, इस पानी छींटा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं? नहीं, करते हैं ये लोग, दुकान वाले पानी छींकते, देखिए अभी इधर पानी छींटा हुआ। अच्छा, आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम बिहार के रहने वाले। अच्छा, बिहार के हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं? हम तो 10 दिन के लिए आए हैं। अच्छा, 10 दिन के लिए आए, मतलब आप अभी रेलवे स्टेशन या बरगवां तरफ घूम के नहीं आए? नहीं, सिंगरौली से आए हैं हम। अच्छा, कभी बाइक से जाइएगा, बड़ा आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी और बड़ा प्रसन्न होता है मन यहाँ पर। आखिरी में हम एक बार फिर से आप सभी से, मतलब यहाँ जो यहाँ के दुकान वाले भैया हैं, महेंद्र भैया, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो महेंद्र भैया, क्या लगता है कि सिंगरौली की सड़कों का कौन है वो सरकार जो इसके कुछ निराकरण कर सकती है, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहें, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप नाराज़ हो गए हैं सरकार से भी, यहाँ की धूल और प्रदूषण से भी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। ये जैन चौराहे की बात हम खड़े थे, जहाँ पर लोगों ने हमसे थोड़ा मोड़ा ही सही, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने लेकिन उन्होंने बात की। आखिरी में एक व्यक्ति ने हमें फिर से छेड़ दिया है, तो हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। और जी, क्या कहना चाह रहे थे आपने वोट की बात की? हाँ, वोट की।
हाँ जी इधर आ जाइए। हाँ बताइए जी, शुभ नाम क्या आपका? दिनेश मिश्रा। दिनेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपने कहा वोट, तो क्या लगता है इस बार जनता वोट तो देगी जी, लेकिन क्या सोच कर देगी? विकास पर देगी वोट। अच्छा, विकास पर देगी जी। तो सिंगरौली के विकास को देखते हुए देगी या देश के विकास को? तो सिंगरौली से नहीं, हम तो यूपी से हैं। तब आप यूपी के विकास को देखकर देंगे जी, जहाँ से है वहाँ के विकास को देखकर। तो आप मतलब अभी यहाँ घूमने आए? जी घूमने आए, घूमने नहीं बिजनेस करने आए हैं, व्यवसाय करने के लिए। यूपी छोड़कर सिंगरौली में व्यवसाय? जी जी कर रहे हैं, काफी टाइम से यहाँ कर रहे हैं। मतलब क्या खास था, मतलब यूपी में व्यवसाय में ज्यादा प्रॉफिट नहीं था? हम लोग ऑल इंडिया में करते हैं कोई, मतलब पूरे भारतवर्ष में आप लोग करते हैं। तो देश के विकास को देखते हुए जनता वोट देगी ऐसा आपने कहा जी, है ना? तो लगता है कि देश विकास में भी जा रहा है? हाँ हाँ जा ही रहा है, है ना जी। तो लगता है कि देश के विकास में किस प्रतिनिधि का सबसे बड़ा हाथ? अरे वो तो जो करना चाहेगा विकास उसी का हाथ होगा और क्या। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही सब जो भी आपके सामने है, सारी की सारी जो लोगों ने अपना ओपिनियन रखा, अपनी बातें रखी, और खुले शब्दों में यहाँ के विकास के लिए भी कह दिया, और लोगों ने कहा कि देश के विकास को देखकर कि जनता वोट देगी। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।